भाई लोगों हो चुकी है सुबह और संडे हो चुका है आज हमारा। बाकी हैप्पी संडे आप सभी को। और आज छुट्टी मना रहे हैं हम। बाकी आज हम जा रहे हैं सेक्टर 8 कार्निवल में, जो कि काफी लगा हुआ आज अच्छा वहाँ पे। और आज हम जा रहे हैं कार्निवल सेक्टर 8 और उसके बाद जाएंगे थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए कहीं पे। और बाकी गौरी भाई को भी पिक करना है, गौरी भाई भी आ चुके हैं गाँव से यहाँ पे। और बाकी चलते हैं अभी। और घर भी तो तैयार हो रही है और तैयार तो हो चुकी है। तो आपको कैसा लग रहा है आज आप कार्निवल में जा रहे हो वहाँ पे? कैसा क्या लग रहा है? जब जाऊंगी वहां तब इतना मेकअप क्यों कर रखा है? कहाँ कर, मैं देखूं थप्पड़ मारूंगी, झूठ बोलते रहते हो। इतना मेकअप कौन करता है यार? और आपने जो किया सुबह, स्क्रब, मसाज, क्रीम, क्लींजिंग, उसके बाद फेस पैक, अब बताओ ये कौन करता है? झूठ झूठ बोल जा रही है, मैं क्यों करूंगा? जब से मेरी शादी मैंने तो कराया नहीं, आपने कराया, वो भी बस कर यार तू बातें झूठ झूठ ना बोलेगा हमें सामने। तो भाई लोगों चलते हैं अभी हम और निकलते हैं अभी, काफी लेट भी हो गए हैं, 5:30 हो गए हैं। चलते हैं फिर, चलो चलते हैं भाई। तो गाइस अब हम चल पड़े हैं घर से चंडीगढ़ कार्निवल की तरफ। कार्निवल आज लगा है सेक्टर 10 में। अच्छा, बता दिया मैंने, बता दिया तो क्या हो गया, दोबारा बता देते हैं। ठीक है, सेक्टर 10 की तरफ चल पड़े हैं। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, बीच में गौरी भाई को भी पिक करेंगे। बता दिया भाई, दस्ता दिखा, दस्ता कौन सा रास्ता भी ये बताओ। चलो जिकपुर पहुंच गए हम। जिकपुर, जिकपुर मोटी गोटी मोटी लगान। तो क्या हो गया, जो बनाएगा वो बताएगा नहीं, बार बार बोलते रहते हो कुछ ना कुछ। अभी हम कहीं और जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं बताओ। लोलगढ़ नहीं जाना क्या? तो बोल के भी कहीं जाना, कभी कहीं जाना है, मुझे नहीं पता। जहाँ ले जाओगे, जहाँ ले जाओगे मैं तो चल पड़ूंगी, तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ। जहाँ ले जाओगे मैं तो चल पड़ूंगी। दोस्तों अभी हम जाएंगे रोज गार्डन या सेक्टर 22, दोनों में से एक। सेक्टर 22 क्या है? खाने की लगी होगी आपको बस, क्या है? कुछ नहीं है। चलो चलते हैं गाइस। तो भाई लोगों पहुंच चुके हैं हम रोज गार्डन। यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फुल हो रखी है। आज संडे भी है और पता नहीं और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज यहाँ पार्किंग बिल्कुल फुल है। तो बाहर चलते हैं, चल के दिखाते हैं आपको। ये देखो पार्किंग पूरी फुल है, ये लो इकी। तो भाई लोगों अभी हमने यहाँ पार्क में लगा दी है, तो यहाँ पे लगा दी है हमने पार्क में। और देखते हैं बाकी मैडम भी तैयार है जाने को पार्क में, चलते हैं भाई। तो भाई लोगों पहुंच चुके हैं रोज गार्डन। बाकी गाइस ये नज़ारा है यहाँ का, और काफ़ी धुंध सी पड़ी है यहाँ पे, हरियाली तो बहुत ही है यहाँ पे, पेड़ ही पेड़ है। पहले भी दिखाया था मैडम को, तो भाई लोगों काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। वैसे तो भीड़ तो क्या है, मैं बंदे ही दिख रहे, गाड़ी तो काफ़ी खड़ी है बाहर, पार्किंग तो फुल हो रही है। तो चिड़िया भी बैठी है, उड़ गई। तो भाई लोगों अभी हमारा फोटो शूट तो हो चुका है, बाकी वीडियो बना ली इंस्टाग्राम वाली, और बाकी यहाँ पे फोटो शूट भी हो रहा है काफी। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं मदर वाला हो रहा है, मॉम टू बी। कौन सा मॉम टू बी? मतलब मॉम बनने वाली है। अच्छा, तो गाइस सामने हो रहा है, गाइस देख सकते हैं, दिखा नहीं सकते क्योंकि यार लाइफ किसी की पर्सनल होती है, तो हम उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे फोटो शूट हो रहा है वहाँ पे, बाकी मैडम बताएगी क्या बताना है, कैसा फोटो शूट है वो, मतलब क्या होता है उसमें, क्या होता है जब मॉम बनने वाले, तो उससे पहले वो फोटो शूट करा रही है। अच्छा, उसका बेबी। बाकी पेड़ में पत्नी क्या बैठे हैं कबूतर कबूतर से, आवाज़ें गिरी जा रहे हैं। चलते हैं फिर चक्रात। तो फाइनली गाइस गौरी भाई आ चुके हैं और बुआरी भी आ गई हमारी। बाकी भाई गौरी भाई कैसे हो? बस बढ़िया है, और सब ठीक ठाक है? बस अच्छे हैं। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, बस नेताजी। और कहाँ लेके गया बुआरी को? कहाँ लेके जाना था, ही नहीं फिलहाल तो कहीं लेके नहीं गए। लेके जा भाई यार शिमला लेके जा, ये तो टाइम है भाई, जरूर लेके जाएंगे आपको, लेके जाना चाहिए तेरे को भाई। नेक्स्ट छुट्टी पे आओ भाई, को इधर के वाले। तो भाई लोग अभी चलते हैं सेक्टर 8 में, और चलते हैं मेले में और आपको दिखाते हैं। सेक्टर 8 की 10 चलते हैं गाइस। बाकी लाइटों में फंसे पड़े हैं गाइस, अभी 1 मिनट की लाइट पड़ी है, काफ़ी लंबी है। तो फाइनली गाइस गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे, पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम यहाँ पे खड़े हुए काफ़ी वेट किया हमने, मगर जगह नहीं मिली। एंड में जाके बहुत जाके ला के लास्ट में जाकर जगह मिली, और
सारे जा रहे हैं अभी हम पहले पैदल ही आगे को, बहुत दूर जाना है अभी हमें 1 किलोमीटर पैदल। तो गौरी भाई तो मजबूत है मगर हम मजबूत नहीं है भाई। चलते हैं गाइस मेले की तरफ। ओ भाई लोगों यहाँ तो बड़ी जाम लगा हुआ है, यहाँ पे रशीदा से ओरखा और गौरी भाई यहाँ तो फिर ज्यादा ही बुरा हाल है भाई। हम तो यहाँ घूमने आए थे यार, वापस जाना पड़ेगा। लग ही रहा है भाई, भाई तो कहाँ ले गया, कहाँ लेके आ गई यार ये। हाँ हमेशा मेरा नाम लगा भाई लोगों यहाँ तो बड़ी फीस गलती है। भाई लोगों यहाँ पे तो धक्का मुक्की हो रही है, भाई लोग अंदर जाने दे रहे हैं यहाँ पे। क्या भाई टूटे टूटे का सीन है यहाँ पे। अच्छा तो भाई लोग कतार में लगे हैं सारे, देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं, नहीं। बाकी देखते हैं भाई। बाकी सारे लाइन में लगे हैं बेचारे, वेट कर रहे हैं हमारी बारी आएगी कि नहीं आएगी। तो भाई लोगों काफी भीड़ है यहाँ पे और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा यार। कहाँ है जैसे भी, कहाँ है वो कौन आया था भाई, कौन आया था यहाँ पे। बब्बू पानी दिख रहा है यार भाई, कौन आ रहा है यहाँ पे, दिख तो रहा नहीं यार वो। नहीं दिख रहा यार बब्बू मान तुम्हारा, क्या है बब्बू मान। भाई लोग अभी भीड़ में घुस गए थे बाहर यार मेले के अंदर, और भीड़ ही भीड़ है यहाँ पे तो यार बुरे हाल है भाई। ये सांप है क्या, कितने का है लेना क्या सांप। चलते नहीं यार ये भाई तो चला रहा है, भी चलेगा जो वाला चला के ये लाइट से तो हटो। तो भाई लोग अभी हमने सांप नहीं लिया क्योंकि यार हमारे पास कैश नहीं थे, तभी हम कुछ और लेंगे आज। तो भाई लोगों यहाँ पे अभी फोटो शूट हो रहा है भाई, कौन फोटो खिंचवाएगा तू। तो भाई लोगों यहाँ पे बच्चों के पेंटिंग भी हो रही है, हाथ में कार्टून बन रहे हैं बच्चों के कार्टून। स्पाइडरमैन है भाई, ओ भाई स्पाइडरमैन जैसे कपड़े पहने ना हमें यार। बनवाना है क्या, बनवाना कुछ है बंदा, ब्लैक कलर का पर्स लेडी पर्स कैसा 3000 रुपए कैसा, ये गिर गया खाने वाली स्टालों के पास, ब्लैक कलर का पर्स। भाई लोगों का सेंटर एड भी हो रही है यहाँ पे तो। भाई बड़ों का भी है, बड़ों की राइड भी है क्या ये, ऐसे ऐसे बच्चों की आपस में लगा का। अच्छा ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, मैंने कहा यार दोनों बंदे के 200 होंगे, एक बंदे का 100 है। नहीं नहीं यार बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है यार। ये तूने क्यों बोला बच्चा, तुम दोनों को बच्चा दिखा देते हो। उस वाले भी कह रही थी वो बोले फिर से चलो, उस वाले भी ठीक है। ओ भाई ये क्या,
वो सेंटा क्लॉज हो गया गाइस, सेंटा क्लॉज। ओह शक्तिमान, 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 ओ भाई शक्तिमान आ गया, शक्तिमान यार तू फोन जोड़, शक्तिमान दे। मिक्की माउस आ गया भाई। लोगो ये है पता नहीं कौन भाई, क्या चीज है ये, हैं क्या ये जलपरी, जलपरी बोल रही है। ओ ये जलपरी है तो जलपरी भाई, नेटवर्क नहीं चल रहा यहाँ पे यार, मतलब राइड नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहा यहाँ पे। हाँ जी नेटवर्क नहीं आ रहा यहाँ पे ना, राइड पैसे पे करने थे, नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ इसके राइड के पे करने थे। तो भाई लोग अभी अभी हम खड़े हैं फुवारे के पास और मैडम फोटो शूट करने को कह रही है, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा तो भाई लोगों काफी भीड़ है यहाँ पे यार, नेटवर्क कनेक्शन में जैम लगा रखे हैं पुलिस वालों ने, बाकी एक पुलिस वाला वहाँ बैठा हुआ है। तो गाइस यहाँ बैठा हुआ पुलिस वाला, लोग अभी यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं, बाकी भीड़ बहुत है पता ही है आपको। भाई लोगो भाई ने लिखा बेईमान अमलो वाले, भाई लोगों अभी आ चुके हैं वहाँ से कार्निवल से, काफ़ी भीड़ थी यार वहाँ, तो खड़े होने की जगह नहीं थी, बाकी हम आ गए हैं और अभी हम जाने सेक्टर 20, काफ़ी भूख लग रही है, सेक्टर 20 जाके कुछ खाते पीते हैं और मज़े मारते हैं। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत ही बहुत ही अच्छा, काफ़ी थक गए हैं नौजवान, चलते हैं गाइस अभी। भाई लोग अभी आ चुके हैं सेक्टर 20 में और अभी हम कुछ मंगा रहे हैं खाने के लिए, पिज़्ज़ा पूज़ा, और अभी शॉप पे आ रखे हैं भाई की, और ये शॉप है भाई की अलविन पिज़्ज़ा, और अभी पिज़्ज़ा मंगाए अभी हमने दो, और फार्म हाउस पिज़्ज़ा मंगाया है 2 130 वाले। बाकी गोरी भाई कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? अच्छा लगा, ये लगा टेस्टी है भाई, थोड़ा डिस्काउंट दोगे हमें? ठीक है भाई, अभी भाई पिज़्ज़ा बन रहे हैं हमारे वहाँ पे, सामने आएंगे फिर खाएंगे। फाइनली गाइस पिज़्ज़ा आ चुका हमारा, बाकी अभी हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा भाई लोग सारे, और कोरी भाई कहते हैं मेरे को बड़ा पसंद आया पिज़्ज़ा, अब से मैं यहीं आऊँगा। और बाकी मैंने भी खा लिया है, थोड़ा सा रह गया मेरा, गोरी भाई तो वैसे घर भी बना लेंगे क्योंकि शेफ हैं गोरी भाई, बाकी सबको पसंद आया, सब खा रहे हैं, बाकी हम भी खाते हैं भाई। तो भाई लोगों अभी हम सोफ्टी खा रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। तो भाई लोगों पहुँच चुके हैं घर और काफ़ी थकान हो गई थी अभी, और गौरी भाई से भी मिलवा दिया आपको, गौरी भाई मेरे छोटे भाई हैं, और बाकी गए सभी सोने का टाइम हो गया है तो सो रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा कंपनी का काम भी कर रहा हूँ तो वो भी कर रहा हूँ, तो कल ग्रुप ग्रुप भी है, और ग्रुप ग्रुप के मौके पे हम जाएंगे गुरुद्वारा और मत्था टेकने, नाडा साहिब गुरुद्वारा और मत्था टेकेंगे, बाकी आपको
दर्शन भी कराएंगे और चलते हैं गाइस सोने के लिए, और मिलते हैं आपको सुबह या फिर मॉर्निंग। आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं।